और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल स्टेटमेंट में। दोस्तों मैं बनाती हूँ वीडियोस फैशन मेकअप ब्यूटी लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग कुकिंग अ डे इन माय लाइफ, ये भी मैंने बहुत बार किया है। और मैं आपको अच्छे अच्छे हॉल वीडियोस दिखाती हूँ, मैं आपको लुकबुक्स दिखाती हूँ, अपने चैनल पे बहुत सारी काम की बातें बताती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट फैमिली के साथ। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली थी वो ये दुपट्टा है। देखिए ये दुपट्टे, दो दुपट्टों का कॉम्बो था, एक तो ये रेड कलर का है और एक नेवी ब्लू कलर का है। मैं आपको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस दे देती हूँ, इस तरह का नेवी ब्लू कलर है और वो भी बनारसी ब्रोकेड का है। ये दोनों दुपट्टे मैं गिव अवे में देने वाली हूँ। आपने अगर गिव अवे में पार्ट नहीं लिया है तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और यहाँ पर नीचे कमेंट करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर दें कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, फॉलो कर लिया है। सिर्फ दो रूल फॉलो कीजिए और बन सकते हैं आप इन ब्यूटीफुल दुपट्टास के हकदार। ये आप ले सकते हैं और ये आपके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा सा मैंने एक टॉपिक सोचा कि हम एथनिक वेयर को अपने डेली, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपर क्लास हैं या फिर हम लोग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजें ही हमें हमेशा खरीदते हैं। मैं भी इवन खरीदती हूँ अफोर्डेबल चीजें ही, जो ज्यादा अब हमारी पॉकेट पे हैमर नहीं करती है, तो वही चीजें हम खरीदते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन एथनिक वेयर को हम अलग टाइप से कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो देखने के लिए, तो वीडियो आपके लिए ही है। आप प्लीज देखिए और लाइक कीजिए और बताइए मुझे आपको सबसे अच्छा कौन सा वाला लुक लगा। इसमें मेरा तो सबसे ज्यादा लुक ये बनारसी ब्रोकेड दुपट्टे के साथ जो मैंने लिया था वही वाला सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी सब सारे मेरे फेवरेट हैं। आप बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बात। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो। और बाय द वे ये इयररिंग मैंने DIY की करे हैं, ये दो अलग अलग इयररिंग थे वो मैंने जोड़ दिए हैं, अब एक ही इयररिंग लंबे वाला बन गया। आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन में है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये मुझे दोनों। वैसे मैं अगर ये इतना लंबा वाला लेने जाऊं तो मुझे 250-300 का मिल रहा था और मैंने ये DIY करके बनाया है दो अलग अलग इयररिंग लेके, तो ये मुझे सिर्फ 60 रुपीज का पड़ा है, 60 रुपीज में ये इयररिंग। ये देखिए आप भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और भी ज्वेलरी हैक्स जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज वो चेकआउट कीजिए, आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव होगा। और चलते हैं चलो वीडियो की तरफ अब। सो फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट लुक टेक योर एनी जैकेट कुर्ती एंड वेयर देम विद क्रॉप्ड पैंट्स। बिलीव मी फ्रेंड्स दिस लुक इज सो ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश। लुक को पूरा करने के लिए मैंने लॉन्ग सिल्वर इयररिंग्स पहने हुए हैं और गले में सिल्वर नेक पीस। पार्टी वेयर लुक के लिए मैंने सिल्वर हील्स पहन लिए हैं। ये लुक आप सभी किसी भी फ्रेंड की शादी में कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये लुक और एफर्टलेसली स्टाइलिश है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं हुआ और बहुत प्यारा लगता है ये लुक। इस तरह की जो लेयर्ड कुर्तीज होती है वो अपने आप में ही स्टेटमेंट पीस होती है, इन्हें सही तरह से स्टाइल करके हम अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं हर बार। सेकंड पीस चिकनकारी प्लाजो है, इसे सिर्फ चिकन कुर्ती के साथ स्टाइल करके हम इसके लुक्स के साथ लिमिटेड हो जाते हैं बस। बट मैंने यहाँ पर ना प्लेन क्रीम कुर्ती कलर की कुर्ती के साथ इसको पेयर किया चिकनकारी प्लाजो। यहाँ आउटफिट पूरा का पूरा प्लेन है तो ब्लिंक ऐड करने के लिए मैंने इसे लॉन्ग लेयर्ड नेक पीस के साथ पहन लिया है। इयररिंग्स के लिए छोटी छोटी झुमकी, बस लुक कंप्लीट हो गया। हमेशा बैलेंस होना चाहिए हमारे लुक में, ना ज्यादा बहुत ज्यादा ओवरडन लगना चाहिए ना कम लगना चाहिए। पंप्स को तो बिल्कुल ना भूले, पंप्स जरूरी है। थर्ड लुक मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लिया है। यहाँ पर मैंने अपनी मैंगो येलो कुर्ती को कॉन्ट्रास्ट कलर के प्लाजो और दुपट्टा के साथ पेयर किया है। ये इंडिगो कलर के साथ येलो का कॉम्बिनेशन तो कमाल का बन गया एकदम। गले में स्टेटमेंट नेक पीस पहन लिया और हुप्स पहनकर लुक कंप्लीट किया है। ऑफिस कॉलेज या आउटिंग्स के लिए मैंने ये एथनिक सा पर्स कैरी किया है जो इस लुक को और भी इन्हांस कर रहा है। पैरों में जूतीज पहन लो और आप तैयार हो।
बिना कुछ किए ही इतना एफर्टलेसली स्टाइलिश लुक, इसे ही कहते हैं। फोर्स लुक के लिए मैंने अपनी डबल लेयर कुर्ती ली है। इसे मैंने स्टाइल किया है जीन्स के साथ। पूरा इंडो फ्यूजन लुक लग रहा है। सिंस कुर्ती पर मिरर वर्क है, इसलिए मैंने कुछ गले में नहीं पहना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मिरर वर्क के कारण मैं चाहती थी ये वर्क ही अपने आप में स्टेटमेंट क्रिएट करे, तो मैंने इसलिए गले में कुछ नहीं पहना है। बट लुक को बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा कान में हैवी इयररिंग्स पहन ली हैं, हाथ में हैंडकफ, पर्स और जुत्ती के साथ मैंने ये लुक कंप्लीट कर लिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक। बिल्कुल सिंपल, सोबर और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। आप ज़रूर ऐसा लुक ट्राई कीजिए। आपको भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट किए बिना ही इतना स्टाइलिश लुक क्रिएट किया है। सो गाइस, फिफ्थ और लास्ट लुक के लिए मैंने गोल्डन कुर्ती को क्रॉप्ड पैंट के साथ पेयर किया है। साथ में ब्रोकेड बनारसी दुपट्टा ऐड किया है। नेक्स्ट ईयरिंग्स काफी बिग एंड हैवी पहन लिए हैं, इसलिए गले में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट पीस ऑल ओवर कैरी कर सकते हैं, या तो कान में या गले में। हाथों में पार्टी वेयर ब्रॉन्ज ब्राउन कलर का पर्स लिया हुआ है, जो मेरी जुतीज को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जुतीज का और पर्स का कलर सेम दिख रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये लुक आप किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगता है, और एक स्टाइल स्टेटमेंट के साथ ही क्रिएट कर सकते हो। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और कौन से आप टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं वीडियोस, और कौन से टॉपिक्स पे मैं बनाऊँ वीडियोस आगे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं पूरे कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर करवाइए मेरे जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपको ये दुपट्टे दे सकूं। और विनर का नाम 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही मैं लूंगी, क्योंकि उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, और जल्दी जल्दी गिव अवे में पार्ट लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और कुछ नया लेकर, कुछ अच्छा से लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।